सो गाइज फाइनली मैं आपके लिए टिकटॉक का नया ट्रेंड वाला वीडियो लेके आ गया हूँ। गाइज ये वीडियो अभी भी वायरल हुआ है और आप इस तरह का वीडियो बना सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी काइन मास्टर एप्लीकेशन की, जिसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काइन मास्टर एप्लीकेशन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट जरूर करना। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है, अब आपको प्लस के आइकन पे जाना होगा, 9x16 पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जाना होगा। इस वीडियो की मतलब ये फोटो है, इसको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। सो गाइज इस फोटो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले करना क्या होगा, आप टिकटॉक आईडी की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाने के बाद आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें जाने के बाद वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। गाइज स्क्रीनशॉट मैंने भी इस वीडियो को मतलब ये फोटो का स्क्रीनशॉट लिया है। तो गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पे जूम आउट हो रही है, तो आपको इसको करना क्या होगा, सबसे पहले इस फोटो पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको स्क्रीन पे 2 बार टैप करना होगा इस तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार टैप करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, तो आपकी फोटो यहाँ पे फुल स्क्रीन में यहाँ पे हो जाएगी। अब आपको जो वीडियो आपने शूट किया है ग्रीन स्क्रीन पर्दे पर, उसको लेके आना होगा। तो यहाँ पे लेयर पे जाना होगा, ऊपर मीडिया पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद मैंने गाइस एक नॉर्मल सा वीडियो शूट किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्रोमा के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको इनेबल कर लेना होगा। इनेबल करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रीन स्क्रीन हट जाएगी। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो। गाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो ख़राब आ रहा है, तो यहाँ से इस वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। वीडियो को एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस लेयर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इसको थोड़ा और जूम बड़ा कर लेना होगा, इस फोटो को अच्छी तरीके से आपको वीडियो शूट करना होगा। तो गाइज इस तरीके से मैंने यहाँ पे शूट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे एक्टिंग करनी होगी। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ से कट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे सीजर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ट्रिम टू लेफ्ट और प्लेट कर देना होगा, आपका वीडियो लेफ्ट साइड से कट जाएगा। प्रेस करना होगा, वीडियो को आगे की तरफ लेके आना होगा। यहाँ पे जैसे ही जंप करूँगा यहाँ पे नीचे की तरफ जाऊँगा, तो आपको इस जगह पे वीडियो को पॉज कर लेना होगा। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस वीडियो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सीजर पे जाने के बाद आपको स्प्लिट प्लेट पे क्लिक कर देना होगा। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो 2 पार्ट में अलग हो जाएगा। तो आपको इस लेयर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्रोमा की वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको ऑफ कर देना होगा। तो गाइस आपका वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फ्रेंड इस तरीके से बनने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है, यहाँ पे फोटो आपकी बड़ी हो रही है, तो आपको इसको एंड से कट कर देना होगा। तो आपको यहाँ पे दोनों लेयर इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे रही बात इसमें साउंड ऐड कैसे करना होगा, तो यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी यूज़ दिस साउंड के नाम से, तो आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद में आपको लेयर पे जाना होगा और यहाँ पे मीडिया सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आपने जो वीडियो डाउनलोड किया है उसको इसमें डाल देना होगा। तो मैंने जो वीडियो यहाँ पे डाउनलोड किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब आपको यहाँ पे सीजर के ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे, तो आपका वीडियो का ऑडियो यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे आ गया है। अब आपको इस वीडियो का कुछ भी काम नहीं है, जो एक्स्ट्रा वीडियो हमने अभी लिया था इस वीडियो का, तो इसको आप क्या करना होगा, यहाँ पे डिलीट पे जाने के बाद इसको डिलीट कर देना होगा, तो आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा। अभी हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से हमने शूट किया था। तो गाइस हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब आपको यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा।